जय हिंद दोस्तों, मैं मनोहर प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्यूचर एकेडमी 2.0 में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम जानेंगे विभाजिता के बारे में, जिसे हम लोग इंग्लिश में डिवीजन कहते हैं। हम इसे चार भागों में, चार पार्ट में विभाजित किए हैं। नंबर वन पॉइंट पे आएगा भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न होंगे। दूसरे पॉइंट में घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न जो बनेंगे उनको देखेंगे। और तीसरे पॉइंट में जो आएगा विभाज्य की शर्त पर आधारित प्रश्न होंगे उनको देखेंगे। चौथे पॉइंट में आएगा भाग के गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न होंगे। ये सभी पार्ट जो आएंगे वह विभाज्यता के बारे में, विभाज्य यानी डिवीजन से बनेंगे। ये मुख्य रूप से चार पार्ट में विभाजित हैं और इन चार पार्ट से मिलकर कुल 9 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं विभाज्यता से। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे विभाजिता में भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। इसमें मुख्य रूप से तीन प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सूत्र पर आधारित प्रश्न होगा। सूत्र को ज़्यादा हमें याद करने की आवश्यकता नहीं, सब बेसिक चीज़ें हम लोग जानते हैं। योग और अंतर पर आधारित प्रश्न होंगे, जब प्रश्न में दो बार भाग देने की बात कही होगी। तो सबसे पहले भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न को हम देखेंगे। दूसरे पॉइंट में आएगा घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न जो होंगे, इसको हमने तीन भागों में विभाजित किया है। सूत्र पर आधारित प्रश्न होंगे, जिसे फिर उसके बाद घातांकी योग के भाग पर आधारित प्रश्न होंगे। तीसरे पॉइंट में आएगा शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न, जिसे हम लोग इंग्लिश में रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, उससे आधारित प्रश्न होंगे। तीसरे पार्ट में जब आएगा विभाज्य की शर्त पर आधारित, इसमें सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और भाग के गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न जो होंगे, इसमें कुल मिलाकर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक जरूर करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए वीडियो में अच्छी नहीं लगी या अच्छी लगी। ठीक, स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेशन को, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा वह भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न होंगे। जो भाग की लंबी विधि पर सूत्र पर आधारित प्रश्न होंगे उसको देखेंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि 2760 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 153 और शेषफल 6 बचे। तो वह संख्या क्या होगी जिसे हम लोग भाग 2760 में भाग देंगे। वो पूछ रहा है कि 2760 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 153 प्राप्त हो और शेषफल 6 बचे। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद उससे हम फार्मूला बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक, तो मान लीजिए अगर मैं कह दूं किसी संख्या में 5 से भाग दिया जाए तो भागफल 5 प्राप्त होता है और शेषफल जो बच रहा है वह 4 बच रहा है। तो वह संख्या क्या होगी? यहाँ पर संख्या ज्ञात करना है यानी भाज्य ज्ञात करना रहेगा। ठीक, तो मान लीजिए इस संख्या ज्ञात, तो यहाँ वाली संख्या को हम लोग बोलते हैं क्या? भाजक बोलते हैं। ठीक, भाजक बोलते हैं। और ये बीच वाली जो संख्या होती है इसे हम लोग भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। और यहाँ वाली संख्या को हम लोग बोलते हैं क्या? भागफल, भागफल बोलते हैं। और जो ये संख्या होती है, जो रिमाइंडर बचता है, इसे हम लोग शेषफल बोलते हैं। इसे को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या? रिमाइंडर। ठीक, अब मान लीजिए इस एग्जाम्पल को हल करते हैं। सबसे पहले इस एग्जाम्पल को देखते कैसे हल होगा। तो यहाँ से एक फार्मूला निकलता है, उस फार्मूला क्या निकलता है, फार्मूला को पहले देखते हैं। यानी भाज्य बराबर संख्या ज्ञात करनी है ना, तो भाज्य बराबर हो जाएगा क्या? भागफल, भाजक, भागफल नहीं, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक, अब इसी फार्मूले पर हम इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को हल करते हैं। संख्या ज्ञात करना है यानी यहाँ पर बाहर वाली संख्या का आपस में गुणा करेंगे और शेषफल जो होगा उसे हम जोड़ देंगे तो भाज्य निकल जाएगा। यानी भाज्य बराबर 5 गुणे भाजक, यहाँ पर 5 है, फिर यहाँ पर भागफल भी क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, प्लस शेषफल जो बच रहा है 4। यानी इस क्वेश्चन का, इस एग्जाम्पल का आंसर जो होगा वह 29 होगा, 29। ठीक, अब इसको हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, कह रहा है 2760 में किस संख्या से भाग दिया जाए। यानी 2760 में लगा, जिसके साथ में लगा है वह भाज्य होगी, यानी वो बीच वाली संख्या होगी।
यानी 2760। ठीक, ये बीच वाली संख्या है 2760। ठीक, किस संख्या से भाग दिया जाए, यानी मान लीजिए संख्या x है, x से हम लोग भाग दे रहे हैं। ठीक, कह रहा है कि भागफल 153 प्राप्त हो रहा है, तो 153 भागफल प्राप्त हो रहा है और शेषफल भी जो मिल रहा है वो 6 बच रहा है, यानी शेषफल जो बचा वह कितना बचा, 6 बचा। तो हमें ज्ञात क्या करना है, x का मान यानी भाजक ज्ञात करना है। तो भाजक ज्ञात करने के लिए इस बाहर वाली संख्या का आपस में गुणा और इस शेषफल को जोड़ देंगे, यानी 2760 बराबर 153 गुणे x धन 6, यानी 2760 बराबर 153 x धन 6 मिलेगा। ठीक, अब चलिए, यानी इस 6 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 6 माइनस होगा तो क्या बचेगा उसको देखते हैं। 2754 बचेगा, 6 माइनस होगा इधर से तो पक्षांतर होकर आएगा बराबर 153 x होगा, यानी x बराबर 2754 बटे 153। इसको काटेंगे तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, 18। ठीक, x बराबर 18, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह x बराबर 18 होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 750 है, जबकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 प्राप्त होता है और शेषफल 10 बचता है, तो बड़ी संख्या क्या है, क्या होगी। यहाँ पर बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। वह एग्जांपल क्या है, अगर मैं कह दूं कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का क्या अंतर 10 है। ठीक, दो संख्याओं का अंतर 10 है और छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या कौन सी संख्या, छोटी संख्या कितना 25 है, तो क्या आप बता सकते हैं कि बड़ी संख्या क्या होगी, बता सकते हैं बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, इन दोनों का जोड़ ही बड़ी संख्या होगी, इन दोनों का जोड़ ही बड़ी संख्या होगी। कैसे होगी, देखिए बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे हमें बड़ी संख्या मिल जाएगी, 25 धन 10 यानी 35। ठीक, अब ये दो संख्या होगी, एक संख्या छोटी संख्या 25 है और बड़ी संख्या 35 है, 25 और 35 का अंतर आप लोग करके देख लीजिए, इन दोनों संख्याओं का अंतर 10 आएगा, इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या आएगा, 10। तो यही क्वेश्चन में कहा हुआ है, अब इसी इसी एग्जांपल के आधार पर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 750 है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन से जो दिया हुआ है उसको अलग करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक, अंतर 750 दिया हुआ है, कह रहा कि जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 6 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या यानी भागफल दिया हुआ है, भागफल भी दिया हुआ है, कितना भागफल बराबर 6 दिया हुआ है, प्राप्त होता है और शेषफल 10 बचता है, यानी शेषफल रिमाइंडर भी दिया हुआ है, कितना शेषफल 10 मिलता है। अब यहाँ पर कौन सी दो संख्याएं नहीं है उसको देखते हैं, तो दो संख्याएं नहीं दिया हुआ है, एक छोटी संख्या नहीं मिल रही है हमें, एक बड़ी संख्या। तो अगर छोटी संख्या को हम मान ले रहे हैं क्या, माना छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या यक्ष, मान लिया हमने छोटी संख्या क्या है, यक्ष है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, हमने इस एग्जांपल में बताया कि छोटी संख्या में अंतर को जोड़ देंगे तो हमें बड़ी संख्या मिल जाएगी। यहाँ पर अंतर दिया हुआ है 750, यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या बराबर हमें क्या मिलेगा, बड़ी संख्या बराबर यक्ष धन
750। ठीक, अब हमें क्या बड़ी संख्या, बड़ी संख्या यानी क्या है, भाज्य है, बड़ी संख्या ही भाज्य है। और भागफल यहाँ पर दिया हुआ है, शेषफल भी दिया हुआ है, छोटी संख्या यानी भाजक भी हमने माना है। क्या भाजक, यश, ये जो यश वाली संख्या है ये भाजक है, यानी हमें सब कुछ मिल गया तो फार्मूला पर रख सकते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, यक्ष धन, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, धन शेषफल होता है। तो यक्ष धन 750 बड़ी संख्या यानी भाज्य है। अब कह रहा है कि भागफल क्या है, यहाँ पर यक्ष यानी छोटी संख्या है यक्ष, भागफल 6 दिया हुआ है और शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल 10 प्राप्त हो रहा है। अब इसी को हम हल कर देंगे, हमारा सॉरी दोस्तों, इसी को हल कर देंगे, हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इसको हम हल करते हैं, यक्ष धन 750 बराबर 6x धन 10। अब इधर से हम पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा है? देखते हैं। यानी 6x माइनस x बराबर कितना, 750 माइनस 10, यानी 5x बराबर हमें मिलेगा कितना, 740। x बराबर हमें क्या मिलेगा, x बराबर यानी 740 बटे 5, इससे भाग करेंगे हम तो x बराबर हमें क्या मिला, 148 मिलेगा। भाग देकर देख लीजिए, 7 एकम 7, 7 पांच एक कम पांच, पांचों को 20, 5 बटे 40 148। यानी ये कौन सी संख्या है, छोटी संख्या है, ये हमें कौन संख्या मिली, छोटी संख्या। लेकिन हमें क्या कहा है कि तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या यानी यक्ष का मान इसमें ऐड कर देंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी 8750 बड़ी संख्या। देख लीजिए 750 धन 148 बड़ी संख्या हमें क्या मिलेगी, 898 यानी 898 जो होगी वह बड़ी संख्या होगी। तो दोस्तों चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या करा है।